राखी और राखी की मजेदार रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ नवरात्रि स्पेशल काजू किशमिश और पनीर की सब्जी जो बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होती है। इसे आप व्रत वाले पूरी पराठे चावल किसी के साथ भी ले सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो मैं पनीर काजू और किशमिश का सब्जी बना रही हूँ, तो इसे हमें बारी बारी से तल लेने हैं। मैंने घर पर ही 1 किलो दूध से पनीर बनाया है, आप ज्यादा दूध से भी बना सकते हो क्योंकि व्रत में हमें घर पर ही बना हुआ सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो अब मैं इसमें जरूरत के हिसाब से मूंगफली का तेल ऐड करूंगी। आप व्रत में जो तेल या घी इस्तेमाल करते हो सो आप ले सकते हो। मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है। तो अब तेल गर्म हो चुका है तो मैं अब सारे पनीर को ऐड कर लेती हूँ और इसे हल्का गुलाबी होने तक तल लूंगी। तो देखिए पनीर गुलाबी हो चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब दूसरी बार में मैं इसमें काजू को फ्राई करूंगी। तो हम चाहे काजू फ्राई करें या पनीर या किशमिश, हम फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे जिससे हमारे सारी सामग्री अच्छी तरह से सिक सके। और यह तल चुके हैं तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब मैं किशमिश को ऐड करूंगी और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए भून लूंगी जिससे इसका रंग हल्का सा चेंज हो जाए, ये थोड़ी सी फूल जाए। तो यह भी हो चुके हैं और अब मैं इसे भी निकाल लूंगी। तेल में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, 2 हरी इलायची, थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा हरा धनिया और इन सबको हम हल्का सा रंग चेंज होने तक भून लेंगे। जब तक यह भून रहा है मैं आपको बता देती हूँ मसालों में हमें क्या क्या चाहिए। अब मैंने मसालों में 2 टमाटर, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा और 10 से 15 काजू लिए हैं और इसी के साथ 2 हरी मिर्च और 2 छोटी इलायची लिए हैं और इन सबको पीस कर मैंने पेस्ट बना लिए हैं। अब इसका रंग भी चेंज हो चुका है तो अब हमने जो मसाले पीस कर रखे हैं उसे हम इसमें ऐड करेंगे और एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक या व्रत वाला नमक और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर ढक्कन डाल करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैं ढक्कन डाल देती हूँ और अब 5 मिनट के बाद देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तेल मसालों के ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज करके 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं तो अब मैं इसमें तले हुए काजू किशमिश और पनीर को ऐड करूंगी। अब हम इसे एक बार मिक्स करके मसालों के साथ 1 मिनट के लिए और भून लेंगे जिससे मसालों की सारी खुशबू पनीर में आ जाए और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, आप चाहो तो मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हो। तो यह भून चुके हैं, अब मैं इसमें एक छोटे साइज के टमाटर को काट कर ऐड कर रही हूँ और थोड़े से कटे हुए हरी धनिया को भी मैं इसमें ऐड करूंगी और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें मसाले बहुत कम डाले हैं इसलिए पानी भी बहुत ही कम डालूंगी। अब इन सबको मिक्स करके इसे लो मीडियम फ्लेम पर ढक्कन डाल करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लगभग 7 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे देख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे और मजेदार बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे सर्व कर लूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं इसे थोड़े से हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।